नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने व्हीकल गुरु यूट्यूब चैनल में। आज हम एक एंटिक ट्रैक्टर के पास में आए हैं, उसके बारे में पूछेंगे, किसान भाई से भी पूछेंगे कैसा ट्रैक्टर है, और साथ के साथ इसके बारे में पूछेंगे भी क्या इसमें अलग सी क्वालिटी हुआ करती इन ट्रैक्टर में। जो ये ट्रैक्टर भाई IMT 533, इस पर स्टिकर आपने 35 के दिखाई देंगे, इसकी शो पेंटेड है। बाकी और पूछेंगे आपने किसान भाई से भी क्या क्या इसके अंदर चेंज कर रखा है, और इसकी ये भी पूछा मैं किस देश का बना हुआ है। साथ के साथ हर चीज़ आपको बताई जाओगी, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आप अपना एक बार परिचय दे दो। भाई मेरा नाम सतीश मल्लिक है, गांव डाबोदा खुर्द है। ठीक है जी। तो इस ट्रैक्टर के बारे में कुछ बताओ, आपने अभी कितने साल तक जुड़े हुए इस ट्रैक्टर के साथ? भाई मैंने तो कई साल हो लिए, एक भाई बीच में उल्टा दे दिया था, 200 किलोमीटर तो उल्टा लिया हूँ, मेरा जी ना लग गया ही बिना। अच्छा, इस बिना जी ना लग गया भाई, कम इतना करा है, खर्चा अच्छा। कोई का सह नहीं, बड़े ट्रैक्टर जितना काम कर रहे हैं खर्चा ही का कोई सह नहीं। भाई वो है भाई, आजकल भला बड़ा ट्रैक्टर लिया हो, लेकिन काम वो है सारे कर रहे हैं, है। ये 10 लाख का लिया वो भी वो ही करेगा, अरे वो भी वो काम वो ही करेगा। हाँ, ये बुढ़ा आदमी हो जाए कि छोड़ो भाई। सही बात है। हाँ, ट्रैक्टर है भाई अपनी, अपना है, अपनी यादगार बनी रहेगी। बिल्कुल, छोरा है यो नाटन लाग रहा है कि और ही ना मॉडिफाई करावांगे। अच्छा, मॉडिफाई करवाओगे? मॉडिफाई करावांगे। चलो उसके बारे में थोड़ा बताओ, जिस तरह अपने इसमें कितना जो ओरिजिनल है और जो जो चीज चेंज हो रही वो बताओ। तो भाई सलप चेंज कराई है। अच्छा, जो आपने उसके बहुत ना मिल रहा था, बहुत बड़ी, अच्छा जो बड़ी सलप, अच्छा वो धीरे धीरे उठे आरती। अच्छा, वो अभी 12 बोल्ट की थी या 12 बोल्ट की है, एक बैटरी था। काम वो है कर रहे, लेकिन वो बड़ी आरती, उसके बहुत सोसू का काम, रिपेयर का काम ना होता। अच्छा, ये भाई वो यो पड़ गया था, टायर नीचे आ गया था लकड़ का, एयरकलिंडर। अच्छा, फिर यो दूसरा लगवाया है। अच्छा जी। हाँ ठीक है भाई, सलेंसर चेंज कराया हो तो वो ही। अच्छा, जो या शो अपनी या पेंटेड है? वही है, पेंट है, पेंट करवाई है। आप शो हुआ की बार और हुआ की बार। ठीक है, स्टिकर आपने 35 के हुए? 35 के लाए दिए भाई। हाँ, 35 के लगवा दिए, मड गार्ड चेंज है? हाँ, मड गार्ड चेंज करवाए हैं। ठीक है, और सब न्यू का न्यू के वो का वो। अच्छा, आपने इतने दिन तो चला रहे हो इसने, कुछ खासियत बताओ इस ट्रैक्टर की भी। खासियत यह है, स्टार्ट करो, सीट पर बैठो, टॉप गियर ला दो। अच्छा, चढ़ाई पर अपने आप जितनी रेस चाहिए उतनी ले लेगा, रेस देने का काम नहीं का, कती भी रेस लेता ही नहीं, सब दर्द टॉप में चल लगा, बोझ गालो जब भी यही नए है। पहला लाओ, दूसरा लाओ, इमें कती नहीं, कुछ जी करो ला दो। अच्छा, खूबी है, सारी खूबी है, खूबी है, खूबी है, खूबी है। अच्छा, कौन से देश का बने हुए हो? यो युगोस्लाविया का। अच्छा जी, 1976 मॉडल है। अच्छा, युगोस्लाविया का है भाई। अच्छा, पंजाब के नंबर है ये। अच्छा, नंबर जो है पंजाब, पंजाब के। ठीक है, और क्या मैं इससे कोई इसी चीज इस हप्पल कोई जुड़ा हुआ इस ट्रैक्टर से कुछ शेयर करो भाई, कोई भी हप्पल हो जो भाई खुशी महसूस हुई इस ट्रैक्टर ने लेकर, हाँ आज इसने बढ़िया काम करा। हमारी जमीन खराब हो रही थी, मैं जब न ले आया वो तो मैं न्यारे की हुए थे, उल्टा दे दिया, मैं दोबारा फिर ले आया। अच्छा, हाँ जब पता भाई मगर छोड़ना है ना, कितने में लो जाए पे, कम से कम 200 किलोमीटर दूर तो उल्टा ले आया हूँ। अच्छा, हाँ जितना पहले लिया था उस तो 10,000 रुपये और बाद में ले आया। अच्छा, मतलब आपने रुपये ऊपर लगा दिए, ट्रैक्टर वो ले और ले दे के लिया बाद में, जितने में जब लिया था उस तो 10,000 रुपये और बाद में लिया। अच्छा जी, ठीक है। फिर आपने मान लिया IMT 533 और भी चलाए इस तक बड़े कोई देखे हो चलाए? मुन्ना तक घड़े चलाए हैं, सब तो पहले लिया था 200 पैसे। अच्छा जी, बड़ा मजा आया, उसके बाद में मैं लिया भाई फिर 265 वो मजा नहीं आया, वो नीचा मॉडल था। फिर मैं सेमे ले आया, सेमे पछाई सर लिया, मैं T25 भी लिया मैंने। अच्छा जी, पर जो ज्ञान है इसमें आया ना उस सह को जाने। अच्छा, इसमें मजा आ गया आपने, घना मजा। चलो फिर इन बताओ आगे के इरादा इसने भी बेचने का है कि मोर इसके मॉडिफाई करवाना करावांगे। अच्छा, मॉडिफाई करवाओगे? चारों नए टायर का लाए मॉडिफाई करावांगे। हाँ, इन्हें बढ़िया तैयार हो जाएगा भाई साहब, एक हाँ तैयार होने के बाद में भी एक इसकी वीडियो भी बनावांगे, और एक भाई इन्हें चला के भी देखेंगे, खेत में भी देखेंगे, ठीक है ना। चलो जी, और जो किसान भाई मान लिया ट्रैक्टर ले रहे हैं और बेचने की सोच रहे हैं, तो उन्हें क्या कहना चाहो? भाई जिंदगी में इन्हें बेचियो मना, इसी चीज दोबारा नहीं मिल रहेगी, इसने तू नून में दाबे तो यो फिर भी निकलेगा। अच्छा, जो चीज है वो ओरिजिनल है, ओरिजिनल है, ये का लोग अच्छा है, लेकिन नून में दाब देगा ना यो गला कोने। हां, नू है भी इसके, मान ले कि आपने पार्ट भी मिल रहे हैं, मान ले कहीं भी
मिले हैं तू कलेक्ट करते रहो। हाँ, जो मतलब मिल जाएगा जरूरत की चीज अपने समय के अनुसार अपने दोबारा कोई खराब हो जाएगा यूज कर लिया। हाँ क्यों नए तो मिलने को वो है मिलने पुराने जो इनके साथ के थे वो तो गल जाए वो अलग है। चलो जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय दिया और एक वीडियो आपने इसकी जरूर मॉडिफाई होने के बाद में भी दिखावांगे कंप्लीट बढ़िया तरह से और चला के भी दिखावांगे। अब तो जो खेत भी खाली को ना तो चला के दिखाते जरूर आपने और इसकी हाँ अलग तो खासियत है जो है अपने कम रेस में लोड की तरह डालो आराम से चलता रहे। रेस देने की जरूरत नहीं बड़ा चलाओ पालक चलाओ कोई दिक्कत ना है। अच्छा जी हाँ। चलो आपने बेरा कितने के एचपी में हो यो 35 एचपी का। अच्छा 35 एचपी हाँ पूरे 35 एचपी का। चलो और पीटीओ में आपने इसमें किस किस चीज में चलाया पीटीओ में भी या? में है भाई 700 ग्राम तेल एक घंटे में। अच्छा क्या चलाया था पानी में पानी का पंखा पे पानी पे चला 700 ग्राम तेल ले। अच्छा एरो चलाया और अपना चलता नॉर्मल है तेल ले रेस में चलाए जाओ कोई दिक्कत ना है। रेस में चलाओ भाई जी साले आ रहा है छोटी सी टंकी है बोझ में थोड़े रुपये हाँ फल भी हो जाए खाओ भी केस है ना कुछ ना करता है। चलो तो भाई साहब आपके भाई सुखी भाव यो पछे नहीं हटेगा आगे नहीं चल रहा। हाँ मतलब यो अभी उस टाइम पर बने उड़ी चीज़ है कि गजब की चीज़ बना दी दादा ले पोता वरते ऐसी चीज़ बना दी। चलो भाई साहब आपको मैंने मिलाया सतीश भाई साहब ये डबुद्दा गांव में IMT 533 ले रहे हैं और कोई भी किसान भाई अगर IMT 533 या कोई भी IMT पुराना ट्रैक्टर ले रहा है तो बेचने की ना सोचते और अगर बेचना चाह रहा है तो एक बार कॉन्टेक्ट जरूर करे भाई। हाँ क्योंकि एंटीक चीज़ इकट्ठा करने में जो है आजकल सतीश भाई साहब भी और मैं भी जो है करना चाह रहा हूँ एंटीक चीज़ जो भी पुराने ज़माने की अपने थी तो आपने दोबारा तो बता दिया युगोस्लाविया का बना हुआ ट्रैक्टर है IMT 533 76 मॉडल। हाँ जी ठीक है जी 1976 का आप देख लियो बिल्कुल आपने कंप्लीट दिखाऊंगा ट्रैक्टर की कंडीशन एक बार में पूरे ट्रैक्टर में देखो कोई भी गड़ाई का कोई मतलब नहीं। आपने इसकी वो भी दिखाऊंगा देखो यहाँ पर मोर है ठीक है जी। ये बाजगाल वाले ट्रैक्टर हैं 3-4 साल में मुटगाड़ा मरीन में जर हो जाए रेमा में जर पकड़ जाए हैं बाकी जो चीज़ है ये ऊका सारी ये ओरिजिनल गैल गया है गैल का ठीक है इस पे अच्छा के मैं बदलवाया नहीं सारा गैल का है सर जी। चलो ठीक है तो जो काफ़ी बढ़िया जो है एंटीक चीज़ रख रखी है भाई साहब ने और मैं तो ये कहना चाहूँगा इसने बेचने की सोचो ये मन्ना नया ले आओ लेकिन इसने मन्ना बेचो ना। चलो बढ़िया है तो मॉडिफाई होने के बाद में भी आपने इसके दर्शन जरूर करवाओगे तो वीडियो ने लाइक करो शेयर करो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करो धन्यवाद।